केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश भर में मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। खाद्य संरक्षा विभाग ने लड्डू समेत तमाम मिठाइयों, घी और मक्खन के सैंपल जांच के लिए भेजे। वहीं अपर आयुक्त एफडीए ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य संरक्षा विभाग के उत्तराखंड के सभी जिलों में मिठाई, घी और मक्खन की सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी ब्रांड के देशी घी व मक्खन और मिठाइयों की जांच कराकर परखा जाएगा कि उनमें कोई मिलावट है या नहीं। सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंगलवार को देहरादून में घी के 10 सैंपल लिए गए, हल्द्वानी में 5 सैंपल घी के, जबकि 6 सैंपल लड्डू और अन्य मिठाई के लिए गए। इसके साथ ही देहरादून में मिल्क क्रीम के 7 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में भी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कराई जा रही है। जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट है, घी है, मटर, मक्खन है, जो भी है, इन सबकी जांच करके रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। हाँ, वह आगामी जो त्यौहार दीपावली आ रहे हैं उसके लिए भी हमने सभी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बाहर से हमारे यहाँ पर मावा है या घी है या अन्य जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, तो हमने सारे अपने जितने भी अधिकारी उनको तत्पर रहने के लिए कहा है और कार्रवाई करने के लिए कहा है।